أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم respected presenter ICAP students and ICAP team السلام عليكم I welcome you all in exam focused revision sessions August 2023 today we are conducting a second of fifth session on CAF 3 cost and management accounting The timing of today's session would be from 2 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page which is icap.ca/students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Atif Abadi with us for this session. Sayyid Atif Hasan Abadi is a phenomenal individual known for his compassionate and benevolent attitude towards CA students. He has more than 16 years of teaching experience in the areas of corporate and business law, auditing and assurance, business management, and other related areas. He has written dozens of books for CA students. His dedication and deliberation have really made CA easy. He is already well known to most of you. Please welcome Mr. Atif. अस्सलामु अलैकुम। क्या अभी भी हम उतने ही जज्बाती हैं जितने कल थे? क्या कल जो हमने ओवरहेड्स को थोड़ा सा तेज़ी से गोथ्रू किया है वो जाके देखा? कल थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन हमारी बन गई थी, थोड़ा ज़ाहिर है पहला सेशन था, पहला सेशन जो है वो उसने टाइम ज़रा ज़्यादा लिया ओरिएंटेशन वाला, जिसका इम्पैक्ट एंड वाले सेशन पे है। तो आज मेरी कोशिश ये है कि सेशंस को एक प्रॉपर टाइम मिले, और आज वो स्टार्टिंग वाली बातें भी नहीं है ज़्यादा। पैटर्न आपको समझ आया कि क्या करने जा रहे हैं? हम हर टॉपिक को तकरीबन एक सेशन में पकड़ेंगे, उस टॉपिक को गो थ्रू करेंगे कि वो क्या है, किस तरह से है। नॉर्मली क्लासेस में गो थ्रू होता है कि आप उसको साथ साथ लिख के कर रहे होते हैं कि एक टॉपिक है और टीचर पे लिख के सवालों को लिख लिख के समझा रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे मार्जिन कम है टाइम का और हमने चीज़ों को कवर करना है, तो प्री रिटन मटेरियल मेरे पास मौजूद है, कुछ स्लाइड्स कुछ ना कुछ डिफरेंट फॉर्म में। तो मैं आप लोगों को साथ साथ कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू कराते कराते कुछ एक दो सवाल भी जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वो स्किम करा दिया करूँगा। उससे ये होगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद ICAP के पेपर में उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो, फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स पे भी बात कर लेंगे। लेकिन जो मेनली ड्राफ्टिंग राइटिंग और उसके ऊपर हमारा काम है वो लास्ट सेशन है। आखिरी पूरा दिन हमारा जो है वो मेनली राइटिंग एक्सपीरियंस, और एंड पे हमने थोड़ा सा टाइम एलोकेट किया है, यानी कि इवन वो थर्ड टाइम अगर छोटा भी हो जाए और हमारे पहले दो सेशन लेंथी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम वो राइटिंग वाला एक्सपीरियंस इंशाल्लाह ताला कर रहे होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मैं आपको याद करा दूं कि ये टॉपिक पहले उस जोन में है जो कि काउंट होता है 35 से 45 नंबर। उस जोन में ओवरहेड के बाद सेकंड सबसे अहम टॉपिक यही बन जाता है।
एग्रो जोन की बात करें तो उसमें मटेरियल की वैल्यूएशन है, उसमें लेबर के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें ओवरहेड्स है, उसमें मार्जिनल अब्जॉर्प्शन है और एक दो छोटे छोटे से गरीब से टॉपिक्स भी हैं जिसमें हम बात करते हैं कि कॉस्ट का फ्लो किस तरह से है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वगैरह किस तरह से है। तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो ओवरहेड के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एग्जामिनर किसी भी टाइम पर अगर सोचेगा कि उसने पहले पोर्शन के साथ इंसाफ करना है तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल के बगैर ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लग रही है। तो ये चाहे आपको टॉप 5 टॉपिक्स में नज़र आए या ना आए, जो कि ये बहरहाल नज़र आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से, तो भी आप इसको अब पास्ट में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी अब आ गई है। और मज़े की बात है कि ये खास फॉर्मेट बेस्ड है, एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को अगर हम फॉलो कर रहे होते हैं तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमें समझ आना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं बेसिकली मार्जिनल अब्जॉर्प्शन है क्या। ये एक फिनोमेना है, ट्रेडिशनली कॉस्टिंग जिस तरह से हो रही है और नए ज़माने में डिसीजन मेकिंग के हिसाब से जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। हमने बात की कि एक मटेरियल की कॉस्ट होती है, एक लेबर की कॉस्ट होती है, एक ओवरहेड की कॉस्ट होती है। और ओवरहेड में हमने कहा दो तरह के ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। कल की डायग्राम याद है, कल हमने कहा था कि मटेरियल का भी एक पर यूनिट रेट होता है, लेबर का भी पर यूनिट रेट होता है, वेरिएबल ओवरहेड का भी पर यूनिट रेट होता है। लेकिन फिक्स ओवरहेड में आके क्या मसला बनता था, उसका हमारे पास पर यूनिट कोई कैलकुलेशन नहीं होती थी, हमें नहीं पता होता था कि एक यूनिट पे फिक्स ओवरहेड कितने लगेंगे। तो फिर एक अंदाज़ा लगाते थे कि हमारे एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ओवरहेड्स की एक्सपेक्टेड यूनिट्स या आर्स कितने हैं। तो एक अंदाजन एक रेट आ जाता था हमारे पास, जो हमने कल कोशिश की निकालने की कि ये रेट है, इस रेट को हम अगर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदाजन हमें पता लग जाएगा कि कितना खर्चा हुआ। अब ऐसे में ये सारी कन्फ्यूजन जो है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर है, ये सारी की सारी कन्फ्यूजन्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली इस फिनोमेना के ऊपर काम करता है कि ये क्या है, किस तरह से चीज़ें लेके चलेंगे और क्या मामला होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग ने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया। मार्जिनल कॉस्टिंग ने कहा भाई आप एक काम करें, आप कंट्रीब्यूशन पे खेला करें। अब कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, कंट्रीब्यूशन इज एक ये सिस्टम कल जैसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, ये तो गलत बात है ना, फिर हमें राइटिंग के लिए कुछ और करना पड़ेगा। एंड फाइनली इसने वही हरकत कर दी है, आज हमारे पास इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, इसको एक दफ़ा सबक सिखा दें। कल हमने फिर एक सुपर फास्ट तरीका कर लिया था, आज भी वो तरीका करते हैं। कहते हैं जब आप अच्छा काम करने लगते हैं तो शैतान आपको तंग करता है, जब हम पढ़ने लगे हैं तो टेक्नोलॉजी हमें तंग कर रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने बड़े होकर भी आपको तंग करना है, और ये नन्ही मुन्नी सी छोटी सी इंटेलिजेंस जो मशीन है ये इस वक्त भी हमें तंग करना चाह रही है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है इसमें ये मसलों मसाइल आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग ने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग ने बात की कंट्रीब्यूशन की। मार्जिनल कॉस्टिंग ने कहा भाई आप एक काम करो, आपने फिक्स ओवरहेड के मसले में पढ़ना ही नहीं है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट्स लेने हैं और जो जवाब निकले एंड पे एक दफ़ा फिक्स कॉस्ट को असल वाली को माइनस कर देना है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन वाले वो बेचारे फंसे रहते हैं, वो क्या करते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और ओवरहेड में दोनों तरह के वेरिएबल ओवरहेड भी और फिक्स ओवरहेड भी, वो कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। फिर क्या होता है, असल में जो फिक्स ओवरहेड हैं वो ज़्यादा या कम हो जाते हैं, फिर सोचते हैं हमने कितने चार्ज किए थे, फिर उसकी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट से शुरू करूँगा, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कहते हैं कि फिक्स एक्सपेंसेस वो टाइम पीरियड की कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, हम पूरे टाइम पीरियड के एंड पे एक दफ़ा फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसको पर यूनिट पर डिवाइड कर देते हैं। ये कंट्रीब्यूशन बेसिकली मार्जिन कॉस्टिंग में किस तरह से हम बात करते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, और अगर मैं मजीद इसे तोड़ूं तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो ऐसे में अगर हम प्रॉफिट की फिगर पे आना चाहें तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट पे आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई फिक्स कॉस्ट को अलग कर दो और कंट्रीब्यूशन को अलग कर दो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है,
कंट्रीब्यूशन, आपने कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन पर यूनिट के हिसाब से कर लेनी है, जो फाइनल जवाब आपका निकले उसमें से आपने फिक्स कॉस्ट उठा के माइनस कर देनी है। तो इसमें सिंपली हम लोग फिक्स कॉस्ट के ओवरहेड रेट को इग्नोर कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग की सबसे पहली बात यह है कि इसमें उस कैलकुलेशन में पढ़ना ही नहीं है कि फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितना है, और हम सिर्फ वेरिएबल के ऊपर खेलेंगे और फिक्स एंड पे ग्रैंड टोटल के तौर पे हम माइनस कर देंगे। थोड़ा सा अगर इस अप्रोच को देखें, एक एग्जांपल दी है, एक बेसिक सा फॉर्मेट है। मैंने पे एक बड़े सवाल में ओवरऑल एक बड़ा सा फॉर्मेट भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अगर बेसिक फॉर्मेट की बात करें, सेल्स 360,000 की, उसमें से माइनस होता है डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो उसमें मटेरियल और लेबर आ गया, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड आ गए, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो सब आ गया। यानी सेल में से सारे के सारे वेरिएबल आपनी चीज़ें माइनस कर देनी है, चाहे वो फैक्ट्री से रिलेट कर रही है, चाहे वो किसी और से रिलेट कर रही है। तो आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि अब आपकी ये बचत है, फिक्स कॉस्ट ना हो तो ये आपकी बचत हो, और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जितनी भी है वो आपने एज इट इज़ एक दफ़ा माइनस करके और अपने प्रॉफिट पे पहुंच गए। यानी कि आपने ये जो एक फॉर्मेट होता था कि सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस करते थे, कॉस्ट में होता था डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड फलाना, अब हम क्या करें, हम सारे कंपोनेंट इकट्ठे करें, मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स ओवरहेड। अब फिक्स ओवरहेड यहाँ हमें नहीं करना, उसको साइड पे कर दिया। ये तीन जो रेट्स हैं उनको इकट्ठा करके हम कहेंगे पर यूनिट कॉस्ट इतनी है। और फिर अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि जो कॉस्ट ऑफ सेल है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को उस रेट से मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्शन की यूनिट्स को उसी रेट से मल्टीप्लाई कर दें, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, अगर पिछले साल को और डिफरेंट रेट था तो ओपनिंग स्टॉक में हम वो यूज़ कर लें, लेकिन प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक में वो रेट इस्तेमाल करें जो हमने निकाला है। थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक जगह है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150 और वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल पर यूनिट 35, लेबर 25 और वेरिएबल ओवरहेड 10। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं एक यूनिट की वेरिएबल वाली लेना चाहूँ, फिक्स को इस वक्त इग्नोर कर दें, तो 35 प्लस 25 प्लस 10 कितना है, 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जितनी भी प्रोडक्शन होगी मैं उसको 70 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट, और सेल में से वो माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। जब तक हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नहीं जाते हम इस मसले में पड़ेंगे ही नहीं कि फिक्स को पहले हम डिवाइड करें फिर प्लस माइनस करके देखें, हम इस पे चल रहे हैं। अब फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्होंने एक्चुअल डाटा दिया, फिर आपको बजटेड जो ओवरहेड्स थे वो 110,000 पर मंथ थे, और अगर हम ओवरऑल बात करें एक्चुअल डाटा का तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जुलाई और अगस्त में इतनी लगी, प्रोडक्शन जुलाई और अगस्त में इतनी हुई, सेल्स जुलाई और अगस्त में इतनी हुई। अब अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है और जुलाई में हमने 2000 यूनिट्स बनाए हैं और बेचे 1500 यूनिट हैं, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे कुछ यूनिट्स 500। अगली दफ़ा हम 500 से स्टार्ट हुए होंगे और जी ठीक है, नहीं असल में मैं ऐसी पे हूँ, स्क्रीन को देखो, योर स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन तो आ रही है और वो दिखा भी यही रहा है, फेसबुक पे नहीं आ रही स्क्रीन, पहली स्लाइड आ रही है। देखिए पता करें, शायद यहाँ पे इंतज़ामिया ने बताया कि फेसबुक पे सिर्फ पहली स्क्रीन शेयर हो रही है, हालांकि स्क्रीन शेयरिंग तो यहाँ पे ऑन है। और यही स्क्रीन है यहाँ पर, समझ टेक्नोलॉजी दो तीन गेरों में बढ़ जाती है, इधर से यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना होता है, इंटरनेट पे जाना होता है, इस माइक ने कहीं और जाना होता है, उस माइक ने कहीं और जाना होता है, और इस सारे में सिस्टम कहता है कि मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखानी है, ये मैंने इस स्क्रीन पर दिखानी है या वो वाले भाइयों को दिखानी है। ठीक है जी, अभी ऑनलाइन में हमारे पास ग्लिच आया है, फिज़िकल में क्लेश नहीं है, इसलिए फिज़िकल क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑनलाइन में जो है ना वो आप परेशान रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो है ना वो आप लोगों ने उस तादाद में आने का मुजाहिरा ही नहीं किया, मतलब ये हम कहते हैं ना हॉल भरा हुआ होता है, मैं कहता अरे भाई ऑनलाइन कौन से 20-25 लोग होंगे ना, फिज़िकल वालों को फोकस करते हैं, पता लगेगा फिज़िकल 20-25 लोग होंगे, ऑनलाइन 150 लोग होंगे, तो वो फिर जो है
ऑनलाइन वालों ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है, फिजिकल वाले जो है ना अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सके। कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। इसका एक टोटका होता है, मैं बगैर पूछ उनसे करने लगा हूँ। एक दफ़ा आप स्क्रीन को अनशेयर करते हैं, फिर से शेयर कर देते हैं। देखें ज़रा फेसबुक क्या कहता है। नहीं नहीं जी, हमारी ये ख्वाहिश जो है ना बेचारी कॉस को टाइम में कवर करने की। जी अब हो गया, वहाँ से शेयरिंग का इशू आ रहा था या यहाँ से कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नहीं जी अब स्क्रीन शेयर हो रही है, देखें मूवमेंट भी है। अब स्क्रीन चेंज मैं कर रहा हूँ तो हो रही है वहाँ पे फेसबुक पे? नहीं हो रही, इसीलिए तजर्बा किया था। हो रही है, हो रही है, ठीक हो गया। नहीं जी एक बहुत ही तेज सी सा रिकैप दे देता हूँ, बातें सुन सबने ली थी, सिर्फ स्क्रीन एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके और जवाब जो निकला उसको हमने कह दिया ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, और जितनी भी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है वो उसमें से माइनस कर देंगे ताकि हम अपने जवाब पर पहुँच जाएँ कि हाँ भाई हमारा जवाब इस तरह से है। तो मैं बात कर रहा था कि हम वेरिएबल मटेरियल लेबर ओवरहेड जब सारे के सारे वेरिएबल हैं और सारे के सारे पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रादर देन कि मैं प्रोडक्शन कॉस्ट में तीन कंपोनेंट बनाऊं, मैं इन तीनों को जोड़ के एक यूनिट निकाल लूं। मैं कहूं मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इतना है तो पर यूनिट में उतने से मल्टीप्लाई कर दूं। फिर मेरी डिबेट हो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से। हम एक सवाल देख रहे थे, 150 हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, 35, 25 और 10 हमारा जो कॉस्ट है वो पर यूनिट है मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की, यानी कि हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 70 के आ रहे हैं। तो हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है सिर्फ वेरिएबल वाली, हमने फिक्स को इग्नोर कर देना है, फिक्स को पर यूनिट पे लेके ही नहीं जाना, फिक्स को हमने प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा तस्वुर ही नहीं करना। हम कहेंगे भाई वो जब सेशन ख़त्म होगा एंड पे इकट्ठी ऐड कर देंगे, वो पीरियड की कॉस्ट है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है। एक जुमला लिखा होता है लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो मार्जिनल में हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर नहीं शामिल करते, अलग से दिखा देते हैं कि भाई हाँ यह इस मंथ की कॉस्ट है, जबकि एब्जॉर्प्शन में जब हम उसको ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। तो हमने अब क्या करना है, हम सेल में से 70 के हिसाब से प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा जो कि बेसिकली कंट्रीब्यूशन है उसमें से सीधी सीधी फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। सवाल ने हमें डाटा दिया फिक्स कॉस्ट जुलाई और अगस्त में 110,000 है और आपने सोची कि इतनी थी 110, तो चलें ये तो एक अच्छी बात है, जो सोची थी दोनों महीनों में उतनी हुई है। प्रोडक्शन आपकी 2000 यूनिट्स की हुई है जुलाई में और सेल हुए 1500 यूनिट, तो मैं ये कहता था कि 500 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे, यही क्लोजिंग स्टॉक अगली दफ़ा का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। 500 प्लस 2500 यूनिट 3000 हमारे पास पड़े हुए हैं और बेचे कितने, तो अगली दफ़ा क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, तो जुलाई में क्लोजिंग स्टॉक है और अगस्त में ओपनिंग स्टॉक है, समझाने के लिए, इस फॉर्मेट को समझाने के लिए। अब ये दो कॉलम्स की साथ साथ प्रेजेंटेशन चल रही है, बेसिकली ये एक इतना लंबा फॉर्मेट नहीं होता, हम दो मंथ्स को साथ साथ लेके चल रहे हैं समझाने के लिए। 1500 यूनिट जुलाई में सेल हुए हैं 150 के, तो जुलाई की ये सेल आ रही है, लेस जुलाई की कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन की कॉस्ट और क्लोजिंग। अब प्रोडक्शन की कॉस्ट में 35, 25 और 10 इनको अलग अलग किया हुआ है। अगर हम ऐसा ना करते, मैंने आपको बताया हम 2000 को 70 से मल्टीप्लाई कर देते। हेलो जी, जी सर ये इसकी वीडियो क्लियर नहीं है, बहुत ब्लर है ये। मेरे ख्याल में अगर ये किसी सेंटर में ये मसला आ रहा है तो आप अपने सेंटर पे उन्हें दिखाएं, क्योंकि फेसबुक पे भी मैंने टीम की तरफ देखा है तो उन्होंने बताया है कि वहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ रही है। आप अपने सेंटर में, जिस सेंटर में आप मौजूद हैं उधर उनसे कहें कि ये इधर वो रिले करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके जी, अब क्या हुआ, सेल्स इतनी और उसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया, यानी कि अगर मैं इस फॉर्मेट को बनाने की कोशिश करूं
यहाँ साइड पे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक, हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है 70 रुपए के रेट से। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है कोई नहीं, प्रोडक्शन हमारे पास 2000 यूनिट्स की हुई 70 रुपए के हिसाब से, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है 500 यूनिट, हमने भी अंदाज़ा लगाया था 70 के हिसाब से। तो ये सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल उन्होंने तोड़ तोड़ के बताई है, लेकिन अगर ये एक लाइन आइटम भी बना देते तो भी काम चल जाता। और इसी तरह से ये क्लोजिंग स्टॉक जब भी माइनस होता है तो हमारे पास जवाब आ जाता है 120,000, हमारी कंट्रीब्यूशन 120,000 आ जाती है। यानी अगर मैं इसको वो करना चाहूँ तो 225,000 यहाँ पे था और उसमें से वो सारा कुछ माइनस हुआ 140,000 और क्लोजिंग 35। यानी आपको पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, इस तरह से करके, यानी हमारे पास 105 हमारी कॉस्ट है जो 225 से माइनस हुई, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई 120 की। इसमें से फिर एज इट इज़ हमने 110,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी और हम 10,000 के प्रॉफिट पे आ गए। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इन तीनों के जितने भी यूनिट्स हैं उनको हमने मार्जिनल के रेट से, यानी कि वेरिएबल सारी कॉस्टों के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और फिक्स को एंड पे एक दफ़ा 1:10 करके एंड पे से माइनस कर लिया। इसी चीज़ को ज़रा रिपीट करते हैं इस पे देखने के लिए अगले महीने में, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, 3000 यूनिट सेल हुए 150 के हिसाब से, इतनी सेल, फिर ओपनिंग स्टॉक वही था जो लास्ट टाइम क्लोजिंग स्टॉक था, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 70 रुपये के हिसाब से 2500 यूनिट मल्टीप्लाई हुए 175,000, कंट्रीब्यूशन आ गई 240,000, 110 हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की और हमारे पास आ गया प्रॉफिट 130,000। तो जुलाई में हमारे पास प्रॉफिट है 10,000 और अगस्त में हमारे पास प्रॉफिट है 130,000। फॉर्मेट समझाने के लिए, तो फॉर्मेट बड़ा सीधा सीधा सा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस करने के बाद जो भी फिक्स कॉस्ट है एक दफ़ा माइनस कर देनी है। अच्छा, ये तो है फैक्ट्री के अंदर अंदर, अगर एडमिन ओवरहेड्स भी सवाल में दिए हुए हों तो आपने सेल में से पहले सारे वेरिएबल माइनस कर देने, कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएं, फिर सारे फिक्स माइनस कर दें। आइडियली आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर दें तो चल जाएगा, क्योंकि मकसद ये है कि बस फिक्स्ड और वेरिएबल को मर्ज नहीं करना, तो अलग अलग दिखाना है। अगर वो कह देंगे हमारे पास एडमिन सेलेंगे उसमें से 4 लाख वेरिएबल हैं और 6 लाख फिक्स हैं, तो वेरिएबल को आपने अलग से दिखाना है और फिक्स को अलग से दिखाना है। बस मकसद ये है कि आपने उसको तोड़ के दिखाना है मार्जिनल कॉस्टिंग में। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कि सेलिंग प्राइस जो है, अब अगेन वही बात है कि वक्त कम है तो हम इसको दिखाएंगे। सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, मटेरियल लेबर और ये ओवरहेड मिला के 70 के हैं, तो मैंने कहा 100 सेलिंग प्राइस है और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 70, फिक्स कॉस्ट हर साल 1000 रुपये की होती है। 3 साल हैं, पहला साल 1000 प्रोडक्शन हुई 800 सेल हुई, दूसरे में 2000 प्रोडक्शन हुई 18 सेल और तीसरे में 2000 प्रोडक्शन हुई और 2400 सेल हुई। तो पहले में 1000 प्रोडक्शन हो गई, जब 800 सेल हुई तो 200 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, अगली बार 200 का क्लोजिंग स्टॉक ऐड हुआ और 2000 की प्रोडक्शन 2200, 1800 माइनस हुआ 400 और नेक्स्ट ईयर 400 ओपनिंग स्टॉक में गया, 2000 में ऐड हुआ और 2400 सेल हो गया। तो लास्ट ईयर में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं बचा, लेकिन जो है वो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 400 का आ गया और क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं है। अब इसी चीज़ को सामने अपने शॉर्ट फॉर्मेट पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सेल 100 रुपये की है, जितने भी सेल्स के यूनिट हैं 800, 1800 और 2400, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेल्स आ गई, ये तीनों ईयर्स दिए हुए हैं। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक पहले ईयर में कोई नहीं था, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कितनी हुई है 1000 यूनिट की और प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है वेरिएबल 70, तो 70,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट था, 70 से मल्टीप्लाई किया 14,000 माइनस, तो कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गई 24,000 की, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें से 1000 की फिक्स कॉस्ट माइनस की, हम 23,000 के प्रॉफिट पे पहुंच गए। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, सेल उसी तरह से है, ये क्लोजिंग इस जगह पे ओपनिंग चला गया, देख रहे हैं यहाँ से ओपनिंग चला गया, प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट आ गई, प्रोडक्शन की यूनिट्स कितने हैं जी इस दफ़ा 2000 यूनिट्स को 70 से मल्टीप्लाई किया 140,000 कॉस्ट आ गई और क्लोजिंग स्टॉक को भी 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्ट आ गई। तो इसी तरह से फॉर्मेट फिर नेक्स्ट तीसरे ईयर में भी इसी तरह से हो रहा है, तीसरे में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, पहले वाले में ओपनिंग स्टॉक नहीं था। तो ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, पीरियड बाय पीरियड आप इस तरह से चलते रहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक उठा के अगली दफ़ा ओपनिंग स्टॉक में डाल देते हैं। तो ये एक ओवरऑल फॉर्मेट है मार्जिनल का। जब हम इससे आगे चलते हैं और एब्जॉर्प्शन की बात होती है तो एब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी और खिचड़ियाँ ऐड हो जाती हैं।
वो खिचड़ियाँ क्या होती हैं, फिक्स ओवरहेड सोचे कुछ और होते हैं और लगे कुछ और होते हैं, और जब आपने उसको अप्लाई किया होता है तो उसके बाद एक एक्चुअल की कहानी भी आ जाती है। यानी बड़ी अजीबोगरीब सी मिथ है, इस मिथ को बिल्कुल डिफरेंट रंग से बताना पड़ेगा, बल्कि इसको मैं लगता डर ही है स्क्रीन चेंज करने से, लेकिन कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि स्क्रीन गायब हो जाएगी, इसको दोबारा रीसेट कर लेंगे। पॉइंट इस कि फिक्स ओवरहेड आपने सोचे, आपको लग रहा था कि फिक्स हमारा खर्चा होगा 1 लाख, लग रहा था कि खर्चा कितना होगा 1 लाख, और आपका अंदाज़ा ये था कि आपके यूनिट्स होंगे 10,000। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदाजन यूनिट्स 10,000 हैं और आपको लग रहा है कि अंदाजन आपका लाख रुपए खर्चा है, तो अंदाजन पर यूनिट कितना है फिक्स कॉस्ट? मैंने बहुत आसान सी फिगर्स लिखी हैं जिसको आप फौरन से दिमाग में भी डिवाइड करके जवाब दे सकते हैं, 10। एक भाई ने जो सोच लिया था लेकिन फिर भी कैलकुलेटर पे करके देखा कि कहीं जो है ना मेरे गलत वो तो नहीं करा, 10। यानी आपने कहा भाई कुछ बजटेड यूनिट्स हैं और एक रेट है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये टोटल एक्सपेक्टेड हमारी फिक्स कॉस्ट है। लेकिन असल में ज़रूरी नहीं कि यूनिट्स हमेशा 10,000 हों। देखिए पीछे के सवाल में कभी 2,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, कभी कितने हो रहे हैं, कभी कितने हो रहे हैं। पता लगा यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 800। जब 800 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे तो आपने 10 रुपए के हिसाब से जो फिक्स कॉस्ट को चार्ज किया होगा वो कितना होगा, सॉरी 8,000 यूनिट्स बने तो 80,000 आपने चार्ज किया होगा। ये आपने सोचा था, ये आपने चार्ज किया है, ये आपने प्रोडक्शन में शामिल कर दिया है। लेकिन असल कहानी जब सामने आई बिल्कुल ही एक्चुअल, तो पता लगा कि आपके ओवरहेड जो है ना वो हैं 83,000 के। तो अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बजटेड यूनिट इनटू बजटेड रेट कह सकता हूं। हमने सोचा था 10,000 यूनिट, हमने सोचा था 10 रुपये पर यूनिट, तो हमारी बजटेड फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख, लेकिन जो एक्चुअल यूनिट्स हमारे थे वो 8,000 थे। अब हमने रेट क्या सोचा हुआ है, हमने ये उठा के इस पर लगा दिया, इसको कहते हैं अप्लाइड। हमने जितनी प्रोडक्शन है उस पर फिक्स ओवरहेड अप्लाई कर दिए, उस पर एब्जॉर्ब करा दिए। लेकिन एब्जॉर्ब कराने के बाद ये तो हमें पता है कि जब यूनिट्स ही कम बने हैं तो फिक्स कॉस्ट उतनी तो नहीं होगी जितनी थी, तो हमने कह दिया फिक्स कॉस्ट अंदाजन इतनी होनी चाहिए। लेकिन असल में पता लगा कि वो भाई साहब इतने, इसका मतलब है हमने 3,000 रुपये कम चार्ज कराए हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाता है फिक्स ओवरहेड में। फिक्स ओवरहेड में आप एक रेट लेके प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं कि असल फिक्स कॉस्ट उससे ज़्यादा निकली या कम निकली, और फिर आपको एंड पे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की। इस चीज़ को ज़रा आप स्क्रीन पर समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करें बजटेड फिक्स ओवरहेड अंदाजे से निकलता है, बजटेड फिक्स कॉस्ट को बजटेड किसी भी बेस से, कल हमने देखा था आर्स यूनिट्स वगैरह मल्टीपल वो किया, हमारे पास बजटेड आ गया। अप्लाइड या एब्जॉर्ब ओवरहेड का क्या मतलब है, एक्चुअल प्रोडक्शन पकड़ी और आपने वो जो अंदाज़ा रेट निकाला हुआ था वो अप्लाई कर दिया। मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ 10,000 यूनिट थे, लाख रुपये का खर्चा, 9,500 यूनिट असल में बने, 10 रुपये के हिसाब से 9,500 का खर्चा आपको लगा कि मुझे चार्ज करना चाहिए। लेकिन असल जब ओवरहेड सामने आए तो पता लगा वो 98,000 के थे, तो 3,000 का डिफरेंस आ गया। तो कभी डिफरेंस ज़्यादा होगा, कभी डिफरेंस कम होगा, हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ज़रा फॉर्मेट की तरफ आते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सवाल वही पकड़ा है, डाटा वही पकड़ा है, ताकि दोनों का फ़र्क आपको समझ आ जाए। यही की किताब में एक एग्जाम्पल के थ्रू बड़ा कम्प्रीहेंसिवली ने समझाया था, तो मैंने उसके स्नैप्स उठाए हैं ताकि जो है वो हम बीच में देख सकें। वही सेलिंग प्राइस, वही वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इस दफ़ा फिक्स ओवरहेड पर यूनिट का एक अंदाज़ा भी दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है, उन्होंने कहा जी 1,10,000 हमने सोचा हुआ है, 2,200 यूनिट्स हमने सोचे हुए हैं कि होंगे, तो 50 रुपये पर यूनिट हमें लगता है कि होंगे। तो इस दफ़ा मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ 70 नहीं आएगा, ये 50 भी ऐड हो जाएगा। डाटा वही है, प्रोडक्शन के उतने यूनिट, सेल के उतने यूनिट, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के उतने यूनिट। अब फॉर्मेट में अगर आप देखें तो ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, प्रोडक्शन कॉस्ट में 35, 25 और 10 की कॉस्ट तो है ही है, साथ में ये 50 की कॉस्ट भी है, और ये इन्होंने 1,00,000 रुपये उसको एब्जॉर्ब करा दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करके आपकी कॉस्ट ऑफ सेल ये आ गई, यानी कि 2,00,000
25,000 की अगर हमारी सेल थी और उसमें से हम प्रोडक्शन और ये क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करें तो हम यहाँ पे अराइव होते हैं। कंट्रीब्यूशन आ गई, कंट्रीब्यूशन में से फिर आपने फिक्स कॉस्ट तो माइनस नहीं करना क्योंकि अब ये वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब सेल में से आपने सारी कॉस्ट माइनस कर दी है, तो इसको कंट्रीब्यूशन कहने के बजाय मुझे कह देना चाहिए प्रॉफिट बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। आपने प्रॉफिट तो निकाल लिया लेकिन सोचा ये कि भाई आपने एब्जॉर्ब कितनी कराई है फिक्स कॉस्ट 1,00,000 की और असल में कितनी है 10,000 की, तो 10,000 का डिफरेंस अब आपको इसमें एडजस्ट करना चाहिए। अगले ईयर पे जाएं तो सारा कुछ उसी तरह से है और अगली दफ़ा की एडजस्टमेंट पिछली एडजस्टमेंट से थोड़ी सी फ़र्क है। इसको उसी तरह के फॉर्मेट एग्जांपल पे समझते हैं जिस तरह से हमने अभी पहले देखा था, वही सेलिंग प्राइस 100, वही 40, 10, 70 इस तरह से। और इस दफ़ा हमने क्या किया, हमने फिक्स कॉस्ट जो हमने सोची हुई थी 1,000 की उसको हमने डिवाइड करके देख लिया कि वो पर यूनिट पर हमारी कितनी बन जाती है। तो जब हम उसको पर यूनिट पर डिवाइड करें, हमारे नॉर्मली जो हमारे 3 ईयर्स में अलग अलग प्रोडक्शन है, हम एक औसत प्रोडक्शन ले लें या सवाल हमें बता देता है कि आपका ऑपरेटिंग लेवल ये है, तो सवाल अगर हमें कहते हैं ना ये आप इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम उसी को समझते हैं कि यही हमारे यूनिट्स होंगे। मैंने यहाँ एक अजम्पशन ली एवरेज की और मेरे पास 0.6 रुपीज़ आ गया फिक्स कॉस्ट, तो अब मेरी फिक्स कॉस्ट 0.6 से मल्टीप्लाई होकर 70.6 जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, जिसमें 70 रुपये वेरिएबल के हैं और 0.6। तो अब क्या होगा, सेल में से उसी तरह से ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन क्लोजिंग है, लेकिन इस दफा प्रोडक्शन 70,000 नहीं है, 70,600 है, इसमें फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी शामिल हुई हुई है। सारा कुछ करने के बाद हम इस प्रॉफिट पे आ गए, लेकिन अब हमने सोचना ये है कि 0.6 मल्टीप्लाई हुआ होगा प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने 1,000, 0.6 1,000 से मल्टीप्लाई होगा तो हमने कितना खर्चा डाला होगा फिक्स कॉस्ट की मद में 600। और इस डेटा में आपको याद है एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी 1,000 की थी पर ईयर, तो 1,000 असल कॉस्ट थी लेकिन हमने सिस्टम को कितनी चार्ज कराई 600, तो मुझे 400 और कॉस्ट चार्ज करा दूं ताकि मेरा प्रॉफिट सही से मैयर हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने 400 और माइनस कर दिया, मैंने कहा भाई ये भी माइनस होना चाहिए और अब मैं अब सही वाले प्रॉफिट पे पहुंचूंगा कि हाँ अब प्रॉफिट हमारा इतना बनता है। सेकंड ईयर में सेल उसी तरह से है, प्रोडक्शन की कॉस्ट वहाँ 14,000 आई थी, यहाँ 1,40,000 आई थी, यहाँ 1,200 ऊपर आ रही है। ये 1,200 ऊपर क्यों आ रही है भला, 0.6 मल्टीप्लाई हुआ है 2,000 यूनिट से। ये सारा कुछ करने के बाद एंड पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि 1,000 फिक्स कॉस्ट थी, मैंने 200 इजाफी चार्ज कर दी है तो मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया होगा, तो मैं 200 से अपने प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा दूं और मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो हम इस तरह की एडजस्टमेंट अब्जॉर्प्शन में कर रहे होते हैं, तो अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में तकरीबन सामने सामने अगर रख के देखें तो इसी तरह से डिफरेंस आता है। थोड़ी सी कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं, अगर यही दोनों पिक्चर मैं आपके सामने रखूं, लेफ्ट पे मार्जिनल चल रहा है, राइट पे अब्जॉर्प्शन चल रहा है, मार्जिनल में आपने सेल में से कॉस्ट वेरिएबल माइनस की और एंड पे फिक्स कॉस्ट एक दफ़ा माइनस कर दी। इसी जुलाई में यहाँ देखें तो सेल में से आपने वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस की, फिक्स कॉस्ट भी माइनस की और एंड पे सिर्फ वो 10,000 की ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट की। अगस्त में भी सारा कुछ उसी तरह से है और इधर भी सारा कुछ उसी तरह से है, तो इसको आमने सामने रखें तो ये कंपैरिजन आसान होता है। बाद में किसी भी टाइम पे इस वीडियो में इन दोनों फॉर्मेट को सामने रखेंगे तो आपको दोनों की क्लैरिटी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दोनों फॉर्मेट्स पता हो, और इसमें भी इन्होंने तोड़ा हुआ है, हम तो इस तरह से भी नहीं तोड़ते, समझाने के लिए इन्होंने तोड़ा हुआ है, तो हम अपने फॉर्मेट में तो उसको और शॉर्ट कर लेते हैं। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि विजिबिलिटी का मसला है। असल में इस वक्त ओवरऑल फॉर्मेट दिखाने में आगे चल के ज़रा थोड़ा सा कुछ और चीज़ों में करता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये भी इस स्क्रीन को ज़रूरत से ज़्यादा अगर टच करें तो ये जो है ना वो कह रही है कि मेरे साथ आपने इतने सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं तो मैं नहीं चलती। अब एक प्रॉब्लम है, ये मार्जिनल में हमारा प्रॉफिट कितना आया है 10,000 और एब्जॉर्प्शन में हमारा प्रॉफिट, अब आपको यहाँ नीचे नज़र नहीं आ रहा यहाँ की स्क्रीन की वजह से, 35,000 है। अगस्त में 1,30,000 है और दूसरी तरफ 1,05,000 है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 35,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मार्जिनल में 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, अगस्त में एब्जॉर्प्शन में कुछ और प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, दो मंथ्स का इकट्ठा प्रॉफिट देखूँ, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आप मार्जिनल इस्तेमाल करो या अब्जॉर्प्शन इस्तेमाल करो, आप बाय द एंड ऑफ ऑल द टाइम्स आप बराबर जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन मार्जिनल में आप फिक्स कॉस्ट को पूरी चार्ज करते गए होते हैं,
एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट पहले तोड़ के प्रोडक्ट में डाली होती है, फिर प्लस माइनस नीचे चार्ज किया होता है, तो असूलन प्रॉफिट तो इनके बराबर होने चाहिए ओवर लॉन्ग टर्म। लेकिन वो जो स्टॉक में चीज़ चली जाती है, मार्जिनल का स्टॉक 70 रुपये के हिसाब से मैयर हुआ हुआ है और एब्जॉर्प्शन का स्टॉक 120 रुपये के हिसाब से मैयर हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है इसके अंदर जो पैसे छुपे हुए हैं उसकी वजह से हमारा इसमें डिफरेंस आ जाएगा। यानी अगर मैं इस डिफरेंस को मैयर करने की कोशिश करूँ तो मार्जिनल कॉस्टिंग का 10,000 प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन का 35,000 प्रॉफिट, फर्क वही 500 यूनिट जो स्टॉक में पड़े हुए हैं 50 रुपये के हिसाब से उसका है। अगर इसी तरह से मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे भी वो फर्क है, लेकिन यहाँ माइनस में वो फर्क है क्योंकि एक जगह क्लोजिंग स्टॉक था और एक जगह ओपनिंग स्टॉक था। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन से हमारे प्रॉफिट कम ज़्यादा होते हैं या नहीं। अगर ओवर एब्जॉर्ब हुआ वह फिक्स कॉस्ट अगर ओवर एब्जॉर्ब हो गई है, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब आपने ज़्यादा चार्ज करा दिया है, इसको ठीक करने के लिए मुझे प्रॉफिट में चीज़ें ऐड करनी चाहिए या माइनस करनी चाहिए? ऐड करनी चाहिए क्योंकि मैं खर्चा ज़्यादा चार्ज कर चुका हुआ हूँ। और अगर मैंने खर्चा कम चार्ज किया हुआ है और प्रॉफिट मेरे पास है तो मुझे प्रॉफिट में से माइनस कर देना चाहिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होने चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट ताल्लुक होता है प्रॉफिट से। क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा प्रॉफिट उतना कम। और ओपनिंग स्टॉक का ताल्लुक होता है खर्चे से, ओपनिंग तो खर्चे का कंपोनेंट है ना। तो अगर ओपनिंग के यूनिट्स बढ़ेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगी, तो ओपनिंग और प्रॉफिट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे प्रॉफिट से डायरेक्टली लिंक होता है ओपनिंग। तो पेपर में कंफ्यूज हो जाए और ये ना समझ आ रहा हो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है क्लोजिंग बढ़ा है, ओपनिंग 10 से बढ़ा है क्लोजिंग 6 से बढ़ा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। समझ जाना चाहिए कि अब हमें प्रॉफिट को कम करने की ज़रूरत है। लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन फिर ज़ाहिर है हम फिर कुछ ना कुछ फॉर्मेट पर आके कुछ ना कुछ क्रैमिंग भी कर लेते हैं समटाइम के, ठीक है जी उसको याद कर लिया। थोड़ा सा इसको एक मज़ीद कम्प्रीहेंसिव सवाल में ये दोनों को सामने कंपैरिजन करते हैं जो हम लोगों ने अपनी एग्जांपल देखी थी। यहाँ मैंने लेफ्ट पे मार्जिनल लिख दी है और यहाँ राइट पे एब्जॉर्प्शन लिख दी, और वही रिकन्सिलिएशन दोबारा बनाई है। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के जो फ़र्क है ना, इनमें जब प्लस माइनस किए तो ये मार्जिनल का प्रॉफिट था 23 और एब्जॉर्प्शन का था 23,120। इन दोनों का डिफरेंस वही 120 रुपये का है जो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे थे जो हमने आइडेंटिफाई किया था। तो इसको अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मेट की तरफ आएँ तो हम एक तरफ मार्जिनल का प्रॉफिट रखेंगे, एक तरफ एब्जॉर्प्शन का, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है वो इसमें कर देंगे। किसको ऐड करें किसको लेस करें इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा एक फॉर्मेट डेवलप करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? वाह जी वाह, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का मैंने फॉर्मेट किसी टाइम पे यहाँ डाल दिया था इंतहाई ब्लर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्लाइड पर ऑलरेडी देख लिया है तो ये फॉर्मेट आपके लिए काफ़ी हद तक इरेलेवेंट हो जाता है। दामन वक्त में गुंजाइश होती तो बहुत कुछ प्रैक्टिस थी, लेकिन ज़ाहिर है हम मतलब एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा नहीं खेल सकते। एक सवाल क्विक से स्टैट्स आपके सामने हैं। 200 सेलिंग प्राइस है, 130 हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, नॉर्मली यूनिट हमारे 2,000 होते हैं, फिक्स कॉस्ट नॉर्मली 50,000 होती है। तो हमने अंदाज़न एक रेट लगा लिया कि जो अंदाज़न फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट जो है वो 25 रुपीज़ के आसपास आ रही होगी। 2,000 नॉर्मली यूनिट्स होते हैं और 50,000 नॉर्मली हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, तो मैंने 25 का एक रेट निकाल के रख लिया है। एब्जॉर्प्शन होगी तो मैं 130 जमा 25 यूज़ करूँगा, और मार्जिनल होगी तो खाली 130 यूज़ करूँगा। सेल प्रोडक्शन उसी तरह से दिया हुआ है, सारा कुछ है, हमने सेल उसी तरह से बनाई, ओपनिंग उसी तरह से लिखा। प्रोडक्शन कितनी हुई है जी पहले ईयर में? 2,500 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 130 से। और इसी तरह से अगर मैं एब्जॉर्प्शन में बात करूं तो 2,500 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 130 प्लस, तो 155 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जब आप यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इस जवाब पे पहुंचेंगे 000 के हिसाब से, यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 000 के हिसाब से राउंड किया हुआ आप यहां पे पहुंचेंगे। तो इस वाली शीट को आप देखेंगे ना तो आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा कि चीज़ें मार्जिनल में कैसे प्लेस हो रही हैं और एब्जॉर्प्शन में। एक बड़ा मज़े का सवाल होता है और दुआ करनी चाहिए पेपर में कि वो आपको डाटा दें और आपसे कहें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन सामने शो करें और फिर उनके प्रॉफिट्स को रिकनसाइल करें। एक आध अजीब सी बात वो कर देंगे, उसके अलावा इस सवाल में नॉर्मली अजीब सी बातें ज़्यादा नहीं होती। तो आपको एक आध अजीब सी बात नहीं समझ आई तो एक दो नंबर आपके मिस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट बना दिया, चीज़ें डाल दी, उनको रिकनसाइल कर दिया, अच्छा अगर आपसे गलती मार्जिनल में हुई है तो वही गलती शायद एब्जॉर्प्शन में भी आप करें।
जब दोनों जगह गलती करेंगे तो दोनों जगह गलती से प्रॉफिट में उतना ही कहीं डिफरेंस आ जाएगा असल जवाब से, लेकिन जब आप अपने ही गलत प्रॉफिट को अपने ही गलत प्रॉफिट से रिकनसाइल करने बैठेंगे तो वो रिकनसाइल हो जाएगा। वही 2000 की गलती आपने उधर की होगी, वही 2000 की गलती इधर की होगी, तो रिकन्सिलिएशन बनाते हुए भी आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि आपने कुछ गलत किया है। फील एग्जामिनर को होगा और वो एक दफ़ा होगा, बार बार फील नहीं होगा। वो शुरू में आपकी वो वाली वर्किंग के उतने एक दो नंबर काट लेगा, लेकिन आगे जहाँ जहाँ आप स्टेप्स में चीज़ें, तो ऐसे सवाल जिसमें डाटा फेंकना होता है, सामने स्क्रीन पर सजाना होता है, वो हमें हमेशा अच्छे नंबर बिला वजह दे देता है। तो ये सारा कुछ करने के बाद ना, अब वो मैं उस रिकन्सिलिएशन की प्रैक्टिस अगर करना चाहूँ, 90, 76 और 104 इधर प्रॉफिट और इधर ये 3 प्रॉफिट है, हमने एक तरफ एक प्रॉफिट रखा, दूसरी तरफ दूसरा प्रॉफिट रखा, और फिर देख लिया कि अच्छा जी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक से मजीद ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है और ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट कम होता है, तो आपने 90 में ये ऐड किया, आप इस प्रॉफिट पे पहुंच गए। आपने 76 में क्लोजिंग का ऐड किया और ओपनिंग का जो डिफरेंस था वो लेस किया। ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, 25 रुपये का रेट मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें लिख रहे हैं और आपने जवाब पे पहुँच गए, तो ये एक इस तरह की रिकन्सिलिएशन से बन जाती है। आइडियली इसकी सपोर्ट में आपको एक वर्किंग छोटी सी बना लेनी चाहिए कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं। आपको कुछ और चीज़ों को देख लेना चाहिए, मैं ज़रा एक अंदाज़ा लगा लूँ कि कहाँ से नीचे स्क्रीन आपको तकलीफ देगी, यहाँ से नीचे नीचे, तो आपको नहीं पता मेरी वर्किंग में नीचे क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल नीचे एक एक्चुअल और जो अप्लाइड ओवरहेड है वो लिखे हुए हैं कि एक्चुअल में कितने थे, अप्लाइड कितने थे, और डिफरेंस को हमने ओवर या अंडर अब्जॉर्ब बताया हुआ है। मैं एक सवाल में उसका एक फॉर्मेट बता दूंगा, अभी मेरी कोशिश है कि लॉजिक समझ आए। क्या हमें लॉजिक समझ आ रही है? अगर लॉजिक समझ आ रही है तो उसके बाद जो है वो एक जगह पे आके जो आपकी पसंदीदा ख्वाहिश होती है, जी हमें फॉर्मेट का रट्टा लगवा दिया जाए, तो वो भी कर लेंगे कि हमने ओपनिंग के साथ हमेशा क्या करना है, क्लोजिंग के साथ हमेशा क्या करना है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हमेशा कैसे निकालना है, और चीज़ें सीधी सीधी कैसे जाएंगी। फ़ायदा क्या है जी मार्जिनल कॉस्टिंग का? अब बीच में थ्योरी अचानक से कभी भी आई के मूड में आ जाए, 4 नंबर का एक पार्ट थ्योरी का दे देता है। जहाँ जहाँ थ्योरी आएगी हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे, और लास्ट डे पे मैं आपको एंड पे फिर एक हैंडआउट दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, उसी ग्रुप में, उसी उसमें व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और गूगल ड्राइव में, जिसमें सारे टॉपिक्स की सारी थ्योरी एक जगह कंसोलिडेट होगी। वो अगर उसको स्लाइड्स पे आगे पीछे करके प्रिंट करें तो तकरीबन 10-12 सफ़ों के अंदर आपकी सारी थ्योरी एक जगह इकट्ठी होगी। तो कभी भी रिवाइज़ करना हो तो तेज़ी से उसको रिवाइज़ किया जा सकता है, कि आई कैप कभी भी सवाल पूछ लेता है। आई बिलीव कि आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनको क्रैम करने की आदत होती है उनके लिए फिर सारा डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। मार्जिनल के फायदे क्या हैं भाई? इसमें फिक्स ओवरहेड बहुत आसान है, मेरे लिए बड़ी आसान बात है। मेरा दिल करता है कॉस्ट के सारे टॉपिक सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे हो, फिक्स ओवरहेड में तो अजियत ही अजियत है। तो मार्जिनल में फिक्स ओवरहेड को नहीं, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन को नहीं देखना पड़ता, और डिसीजन मेकिंग वालों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है कंट्रीब्यूशन के हवाले से। दूसरी तरफ हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट वो जो डिसएडवांटेज हैं उसमें इन्वेंट्री को सही वैल्यू नहीं मिलती, आपने इन्वेंट्री पे फिक्स कॉस्ट चार्ज ही नहीं कराई, और इसी तरह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आप मैयर कर सकते हैं, लेकिन आपको असल में कितना प्रॉफिट हुआ है वो नहीं समझ आएगा इससे, क्योंकि आपने असल वाले जो फिक्स कॉस्ट है उसको प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया नहीं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गलत भी हो सकती है इस हवाले से। अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन का, तो एब्जॉर्प्शन के फायदे ये हैं कि आप फिक्स ओवरहेड को बीच में शामिल कर रहे हैं, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन से करने से आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से हर दफ़ा जब आप काउंट करेंगे ना कि ओवर अंडर कितने हैं, तो आप सोचेंगे भाई ये क्या हो रहा है, मेरे फिक्स खर्चे बढ़ क्यों रहे हैं, आपको एक मार्जिन मिल जाएगा। अगर मार्जिनल में हर दफ़ा सीधे सीधे फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो पता ही नहीं लगेगा हमने कहाँ लूज़ किया, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि व्हाट एरियाज हम लैक कर रहे हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट इतनी होनी चाहिए थी जब हमारा अंदाज़ा है, क्यों नहीं हुई उतनी, उससे कम ज़्यादा क्यों हुई है, तो हम उसको फिर ट्रैक कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस यही हैं कि ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, डिसीजन मेकिंग में उतनी मज़े की इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने नहीं आती, चूँकि फिक्स कॉस्ट के बखेड़ों में पड़े रहें तो कभी भी अच्छा डिसीजन ना हो सके, हर वक्त ही परेशान रहें। तो वो मतलब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आपको ऑर्डर मिलता है कि जी आपने 10 कुर्सियाँ बना के देनी है, आपको पता लगा 10 कुर्सियों को बनाने की कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, और उन्होंने कहा मैं आपको 1,10,000 दूंगा। अब 1,00,000 क्यों कॉस्ट है? क्योंकि उस पर कुछ लकड़ी आएगी और कुछ लेबर काम करेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 1,00,000, और वो आपको कितने पैसे दे रहे हैं 1,10। अब आप बैठ के सोचना शुरू हो जाएं कि भाई जिस बिल्डिंग में मेरे ऑलरेडी 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ यहाँ 10 कुर्सियाँ रखी हुई होंगी, फिर गिनती गिनने शुरू कर दें 10 कुर्सियों ने कितनी जगह घेरी हुई होगी, फिर बिल्डिंग की कितनी जगह है, फिर किराया इन कुर्सियों पर कितना चार्ज करूँ, फिर बिजली कितनी चार्ज करूँ, फिर फलाना कितना चार्ज करूँ, पता लगेगा आप कहेंगे मेरी कुर्सियों की कॉस्ट है 1,13,000, तो मुझे अच्छा ऑर्डर नहीं मिला, मुझे ये नहीं लेना चाहिए। भाई वो फिक्स कॉस्ट तो आपकी लगनी लगनी थी,
ये कुर्सियां ना भी पड़ी हुई होती तो लगनी थी, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ना कम्प्लेक्स करके आपकी डिसीजन मेकिंग ख़राब कर देती है। आप ट्रू कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, 13,000, 1,30,000, वो 1,13,000 की कुर्सी अगर उसकी कॉस्ट है तो जाहिर है आपने फिक्स कॉस्ट अपनी पूरी तो करनी है, लेकिन एक नए प्रोजेक्ट पे धक्के से अपनी ये सारी फिक्स कॉस्ट उस गरीब के ऊपर तो नहीं चार्ज कर देनी। तो मार्जिनल में डिसीजन ज़्यादा आसान होता है और अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन में डिसीजन जो है ना वो बहुत अच्छे नहीं ले पाते हम फिक्स कॉस्ट के बखेड़ों की वजह से। फिक्स ओवरहेड को हमेशा एलोकेट करना डिस्क्रिशन है, किस यूनिट पे डिवाइड करें, लेबर पे डिवाइड करें, आर्स पे डिवाइड करें, फ्लोर एरिया पे डिवाइड करें, आप हमेशा ही फंसे रहते हैं। नहीं जी, पास पेपर का एक छोटा सा सवाल है, एक छोटी सी डिस्कशन के लिए सामने स्लाइटली मॉडिफाई करके, क्योंकि अभी हमने एक दो इन्फॉर्मेशन अभी ऐसी हैं जो टॉपिक अभी हमारे पास नहीं आए। एक्चुअल बजटेड सेल 10,500 यूनिट थी, 2,000 पर यूनिट जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल की 790, लेबर की 450, ओवरहेड अलग अलग दिए हुए हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल का मिला के उन्होंने कह दिया 360 है। अब इसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल हमने अलग अलग करने हैं, अभी कर लेते हैं लगे हाथों। बजटेड फिक्स ओवरहेड है 1650 और जो बजटेड यूनिट्स हैं वो आपके सवाल में दिए हुए हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक रेट आ जाता है 150 का, कि हम कह देते हैं कि 150 हमारे जो है वो हैं, जो प्रोडक्शन हमारी जो बजटेड थी वो 11,000 थी, और 11,000 को जब हमने 1650 के साथ डिवाइड किया तो हमें पता लग गया कि 150 पर यूनिट तो फिक्स कॉस्ट है। तो इस 360 में से 150 माइनस कर दें तो वेरिएबल कितना है, 210। तो इसका मतलब है वेरिएबल मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो 1450 होगी, और कोई मेरे से फिक्स पूछेगा तो मैं इसमें 150 और ऐड कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो फिक्स 1600 है और वेरिएबल 1450। सवाल ने कहा मुझे प्रॉफिट निकाल के दो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू। सबसे पहले एग्जामिनर का माथा ढूंढा, उसको चूमा, एब्जॉर्प्शन में मसले ज़्यादा हैं, मार्जिनल तो सीधा सीधा सा है। आपने सेल पकड़ी कि सेल इतने हज़ार यूनिट, 2,000 रुपए की पर यूनिट सेल हो रही है, 10,500 यूनिट है, आपने 2,000 को 10,500 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 21,000 यानी कि 21 मिलियन आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल में आपने प्रोडक्शन कितनी हुई हुई है आपने वो पकड़ी, और प्रोडक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्शन हमारे पास 12,000 यूनिट्स की हुई हुई है, 12,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1450 के रेट से, क्लोजिंग स्टॉक को इसी तरह से उस रेट से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन आई, उसमें फिक्स कॉस्ट माइनस की, हम प्रॉफिट पर पहुंच गए, कहानी खत्म। उन्होंने कहा रिकनसाइल करो एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। अब मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन तक पहुँचे, मार्जिनल में ये प्रॉफिट आया तो एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क पड़ा होना था? ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसका मतलब है टोटल फ़र्क पड़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक का। हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बनाया होगा 1450 रुपए के रेट के हिसाब से, जबकि एब्जॉर्प्शन होता तो क्लोजिंग स्टॉक कितने से बनता, 1600। इसका मतलब है मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू असाइन की है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दूंगा तो मैं एब्जॉर्प्शन तक पहुँच जाऊँगा। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट लिंक है, इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। तो अब मैं काम करूं अपने प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को 1500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूं 150 से, और ये 225,000 आ गया, इसको ऐड कर दूं तो दिस शुड हैव बीन एब्जॉर्प्शन वाला। आप किसी टाइम पे जब खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने इस सवाल को एब्जॉर्प्शन से करना है, आप जिस प्रॉफिट पे पहुंचेंगे वो 4400 ही होगा, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर सवाल ने बजटेड ओवरहेड्स दिए और एक्चुअल ओवरहेड्स ना दिए हो तो फिर हम बजटेड को ही एक्चुअल मान लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। तो इस सवाल में हमें जो ओवरहेड्स वगैरह दिए हुए हैं वो उन्होंने बताए थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने हमें वो बता दिया कि अप्लाइड ओवरहेड एक्सीड एक्चुअल ओवरहेड बाय 200,000, तो हमारे जो अंदाजन थे उसमें हम 2,00,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर हमने फिक्स कॉस्ट जब माइनस करनी होगी तो आप ये देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट जो माइनस हो रही है ये इसमें उसमें फ़र्क आ रहा है कि फिक्स कॉस्ट असल में कितनी है और होनी कितनी चाहिए, अप्लाई कितनी होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट। अगर मैं अप्लाइड की बात करूँ, यूनिट्स कितने हैं प्रोडक्शन के, 12,000, तो 12,000 पे अगर फिक्स कॉस्ट अप्लाई हो जी 1200 पे, ये 1200 है 12,000, 12,000 पे अगर अप्लाई करें, रेट क्या है फिक्स ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का, 150, 12,000 पे ज़रा 150 अप्लाई करें, आई मीन जस्ट चेक करने के लिए 18,000, यानी इसका मतलब है कि 18,000 मतलब जो 1800 पे हम पहुंच गए कि 1800 शायद अप्लाइड है।
और सवाल ये कह रहा है कि अप्लाइड एक्सीड कर गए एक्चुअल से 2 लाख से, 200 से एक्सीड कर गए। हमने अप्लाई कितने किए हैं? 1800, और वो कह रहे हैं आपने 200 ज़्यादा अप्लाई करा दिए, तो फिर 200 माइनस कर दें तो एक्चुअल कितने होंगे? 1600, यहाँ पे 1600। तो सम टाइम वो आपको एक्चुअल ओवरहेड उस तरह से नहीं देते, आपको कोई ऐसी बात कर देते हैं जैसे प्लस माइनस करके आप एक्चुअल पे पहुँचते हैं। वक्त में गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो हम ज़रा थोड़ा सा और खेलते, मतलब अभी तो हम खेल रहे हैं लेकिन इस सवाल पे थोड़ा सा और खेलते। तो गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि स्टॉक वैल्यू हमेशा जो है वो एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा निकलेगी और मार्जिनल में कम होगी। जब भी आपसे कोई पूछे एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में किसी भी एरिया में डिफरेंस, तो आपने देखना ये है कि स्टॉक का फ़र्क होगा, और हमेशा स्टॉक की वैल्यू एब्जॉर्प्शन में हमेशा ज़्यादा होगी और मार्जिनल में हमेशा कम होगी। अब आपने देखना है ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है या क्लोजिंग ज़्यादा है। ओपनिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है खर्चा ज़्यादा हुआ है, अगर ओपनिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन वाले भाई ने ज़्यादा खर्चा चार्ज कर दिया, और अगर क्लोजिंग ज़्यादा है तो मैं कहूँगा एब्जॉर्प्शन वाले का प्रॉफिट ज़्यादा निकला होगा, उसका खर्चा कम होगा मार्जिनल वाले का। तो इसका मतलब है इसका लिंक होता है, लेकिन उसके ऊपर हम एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं। मार्जिनल के प्रॉफिट में अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड करूँ और ओपनिंग स्टॉक माइनस करूँ तो मैं एब्जॉर्प्शन पर पहुँच जाता हूँ, और अगर मैं एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करूँ तो क्लोजिंग माइनस करूँ ओपनिंग ऐड करूँ तो मैं इधर पहुँच जाता हूँ। लेकिन अगेन मैं इसका फिर एंड पे आपको एक फाइनल टोटका बता देता हूँ कि हम इसको किस तरह से याद रखें। पास पेपर का एक छोटा सा सवाल, और हमारे पास कितनी गुंजाइश है, थोड़ी सी गुंजाइश। एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट लेबर 3R 6 रुपये के हिसाब से 18 रुपये है, डायरेक्ट मटेरियल ऐसे करके है, प्रोडक्शन ओवरहेड इतने हैं और फिक्स ओवरहेड इतने हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, खुद ही से उन्होंने फिक्स ओवरहेड भी हमें निकाल के बताए हुए हैं। तो मार्जिनल का रेट है 49 और एब्जॉर्प्शन का रेट है 69। जब भी होगा तो हम मार्जिनल पे मार्जिनल का रेट लगाएंगे, एब्जॉर्प्शन पे एब्जॉर्प्शन का रेट। नॉर्मल आउटपुट होती है 16,000 और इससे हमें फिक्स ओवरहेड की कैलकुलेशन मिली है। तो इसका मतलब वो जो 20 का रेट निकला है वो हमारा 16,000 के हिसाब से सोच के निकला होगा कि हाँ भाई इतने यूनिट्स होते हैं। कॉस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से वेरिएबल जो कॉस्ट है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, वो 20% ऑफ सेल्स है, तो जो भी सेल्स की वैल्यू निकलेगी उसको 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल वैल्यू निकल आएगी। फिक्स्ड उन्होंने बता दिया कि 1,80,000 पर एनम है, और हमारा ये डाटा जो दिया हुआ है वो हमें 6 मंथ्स का डाटा दिया हुआ है, सिक्स मंथ्स का। तो इसका मतलब 90,000 हमारी फिक्स कॉस्ट पर 6 मंथ्स है। वो कहते हैं सिर्फ फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन में ना वॉल्यूम का फर्क आया। ये जुमला भी वेरियंस पड़े बगैर हमें नहीं समझ आएगा, लेकिन इस जुमले का हमारे से कोई खास काम नहीं है। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है आपके पास 1 अक्टूबर 2003 को, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर स्प्रेड हुए हैं थ्रू आउट ईयर और सेलिंग प्राइस 140 है। डाटा उन्होंने प्रोडक्शन और सेल का दे दिया है। अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से जवाब दो, नीचे लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जवाब दो, और नीचे लिखा बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया। तो एक ऐसा सवाल जिसमें हम दोनों फॉर्मेट देख लेंगे और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। ये 49 और 69 वाली बात हमें समझ आ रही है। हमने क्या किया, हमने दोनों टाइम पीरियड पकड़े, सेल 140 रुपए के हिसाब से पहले टाइम पीरियड में 7,000 यूनिट हैं, दूसरे टाइम पीरियड में 8,000 हैं। आप ये देखिए दोनों टाइम पीरियड्स का डाटा दिया हुआ था। तो हमने क्या किया है, हमने एक जगह कंपैरिजन में दोनों को प्लेस कर लिया है, सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया है, 49 के ही रेट को मल्टीप्लाई किया है हमने स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक में जो है वो पहले ईयर कुछ नहीं है, ये एक शॉर्टकट वे है। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा ईयर्स को एक स्टेटमेंट के सामने दिखाना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि आपने तो इधर वर्किंग दिखानी होती है ब्रैकेट में। अब क्या करें, तो इसका तरीका ये है कि या तो आप एक वर्किंग दिखाएं, सेमी कॉलन लगाएं और एक दूसरी वर्किंग उसके साथ दिखा दें, एग्जामिनर समझ जाएगा पहली वर्किंग पहले ईयर की है, दूसरी वर्किंग दूसरे ईयर की है। एक तरीका ये है कि आप जो एक फिगर चेंज होने वाली है, अगर बाकी सारी चेंज वो सेम है, तो उसमें स्लैश इस तरह से लगा लें। तो 140 मल्टीप्लाई हो रहा है 7,000 या 8,000 से, तो 7,000 से इधर मल्टीप्लाई हुआ और 8,000 से इधर। ओपनिंग स्टॉक का 49 रेट या 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 1500 से, इधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ और इधर 1500 यूनिट से। तो ये बेसिकली आप इस तरह से वो करते हैं। तो अब ये आपके पास मार्जिनल का फॉर्मेट है कि सेल्स में से हमने ये ओपनिंग वगैरह माइनस किया, क्लोजिंग कंट्रीब्यूशन पे पहुंच गए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, आप जीपी पे पहुंच गए, और जीपी से नीचे आपने एडमिन सेलिंग के वेरिएबल और फिक्स माइनस कर दिए। इधर भी दो प्रेजेंटेशन है। एक तरीका ये है कि पहले आप जीपी तक पहुंचे, ऊपर की वेरिएबल इकट्ठी निकाल के ऊपर का फिर फिक्स निकाल दें, जीपी पे पहुंच गए, फिर नीचे का वेरिएबल अलग दिखाएं और फिर नीचे का फिक्स
अलग से दिखाएं। दूसरा तरीका, आप इस वेरिएबल को भी उठा के यहाँ ले जाएं, आपके सेल में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेस वेरिएबल सेलिंग एडमिन, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगी लेस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड फलाना। तो आप उस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मैं वो प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाता हूँ। तो नेट प्रॉफिट में हम इधर आ गए और इस ईयर में हम यहाँ पे आ गए, बाकी सब कुछ उसी तरह से डाटा उठा उठा के हमने सजाते जाना है, चीज़ें कवर हो जाती हैं। एब्जॉर्प्शन पे आए, एब्जॉर्प्शन में सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल उसी तरह से हो रही है, लेकिन इस दफ़ा 49 नहीं है, बड़ा रेट है। जब हम पहुँचे ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हमने उसमें से ये चीज़ें निकाली हैं जो एडमिन सेलिंग। अब एडमिन सेलिंग उधर हमने अलग अलग किए, वेरिएबल और फिक्स। एब्जॉर्प्शन तो ये मानता ही नहीं है कि फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग चीज़ है, वो तो सारी की सारी। तो आप एडमिन सेलिंग या एक लाइन आइटम में इकट्ठे माइनस कर दें, क्योंकि आप एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड और वेरिएबल को ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करती। आप पहुंच गए प्रॉफिट पे, आप पहुंच गए प्रॉफिट पे, लेकिन अब मसला आ गया ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का। सात हजार सेल्स की यूनिट हुए और प्रोडक्शन हुई है 8500 की, मैंने 8500 को मल्टीप्लाई किया होगा 20 के रेट से, तो जब 8500 20 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या जवाब आया होगा? यकीनन मैं बहुत मुश्किल बात नहीं पूछ रहा, 1700 इन्होंने कहा, तो फिर ये तो कह लें कि एक तरह से वो हो गया कि 8500 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इतनी फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए, असल में कितनी है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की दी हुई है, वो उसकी दी हुई है, फिक्स ओवरहेड नहीं दिया हुआ एक्चुअल। जब एक्चुअल नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, बजटेड ले लेते हैं। बजटेड कितना था? 16000 यूनिट पे 20 रुपए के रेट के हिसाब से, तो 16000 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो साल की आ जाएगी, लेकिन मुझे तो 6 महीने की चाहिए, तो एक काम करते हैं 16 के बजाय 8000 ले लेते हैं, 8000 को 20 से मल्टीप्लाई करें 160000 होना चाहिए, और आपने कितना निकाला अभी, 170, तो 10 का डिफरेंस आ गया। इस 10 के डिफरेंस को आपने एडजस्ट करना है। सवाल ये कि आपने चार्ज कर दिया 170 और बनता कितना था, ज़्यादा चार्ज करा दिया, दुखी होगा इस बात का, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, 10 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो अब नेट प्रॉफिट इतना आ गया। दूसरे ईयर में क्या हुआ, चलते चलते हम एंड पे पहुँचे। अब यहाँ देखते हैं, दूसरे में आपकी प्रोडक्शन हुई है 7000 यूनिट की, 7000 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया होगा, भला कितना जवाब निकला होगा, 140, और असल में कितना है, 160 है, तो इसका मतलब है फ़र्क 20 का आ गया, वो 20 यहाँ पे आ गया। इस दफ़ा आपने कम चार्ज कराया है, आपने 140 चार्ज कराया जबकि 160 बनता था, तो इसका मतलब है कुछ और आपको एक्सपेंस इसमें चार्ज करना पड़ेगा, जब एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट गिरेगा, ये प्रॉफिट इतना गिर गया। अभी हर दफ़ा हमने सोचना होता है, तो एक तरीका ये है कि हम हर दफ़ा ना सोचें, हम रट्टा लगा लें, हम एक दफ़ा रट्टा लगा लें कि अब्जॉर्ब और एक्चुअल में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो नीचे क्या जवाब लिखना है, बल्कि एक फॉर्मेट ऐसा लिख लें जिसमें खुद ही से माइनस लिखा हुआ आ जाए, तो हमें दुख की ज़रूरत ना हो और सोचे ही ना कि एंटर था या ओवर था। तो उसके लिए मैं फिर आपको एक सवाल का फॉर्मेट दिखाता हूँ, ये लास्ट सवाल है सेशन का। हमने सेशन में सोचा था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ हम ब्रेक इवन को हल्का सा स्टार्ट दे देंगे, वो हल्का सा स्टार्ट उस गरीब को नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, उसको एक थोरो स्टार्ट बहरहाल मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट सेशन मैंने लाइट रखा हुआ है उसमें लेबर है, तो लेबर में से कुछ दकीके हम चुरा लेंगे और ब्रेक इवन को दे देंगे। ये पास पेपर का एक सवाल है, सेलिंग प्राइस 1600 है, डायरेक्ट मटेरियल 630 का है, लेबर 189 का है, प्रोडक्शन ओवरहेड 220 के हैं, और इस तरह से इन्होंने कुछ डाटा कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसी आपको नज़र आती है आप समझ जाते हैं कि 630, 189 और इस 220 में से कुछ जो है वो फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। तो अगर 40% फिक्स है तो 60% वेरिएबल है, तो मैं मार्जिनल के हिसाब से सिर्फ वेरिएबल ऐड करूँ और एब्जॉर्प्शन के हिसाब से सारा का सारा ऐड कर दूँ। इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 60% फिक्स दिए हुए हैं, तो इसके भी दो टुकड़े किए जा सकते हैं, कितना फिक्स है इतना, डाटा बड़ा सिंपल है। 12000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिए उन्होंने,
ताकि आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मसला ना हो। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी बता दी 15,000 यूनिट की, उस हिसाब से उन्होंने दिए हुए। अगर एक्चुअल फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ तो मैं नॉर्मल कैपेसिटी को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट तक पहुँच सकता हूँ। फिर वो कहते हैं ओवरहेड जो है वो पिछले ईयर से 10% बढ़ चुके हुए हैं और रॉ मटेरियल और लेबर पिछले साल से 5% बढ़ चुकी है। ये इसलिए बताया कि इन्होंने ओपनिंग प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक तो बताया है, लेकिन प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक पे तो लेटेस्ट रेट लगेगा। अगर ओपनिंग का डाटा पिछले साल का होता तो हम वहाँ से उठा के चार्ज करते, पिछला साल हमारे पास नहीं है लेकिन पिछले ओपनिंग के यूनिट्स हमारे पास हैं, तो ओपनिंग के यूनिट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पुराने ईयर के रेट से। पुराना ईयर 5% सस्ता था रॉ मटेरियल की मद में और लेबर की मद में, और 10% सस्ता था। इसका मतलब जो सामने मेरे पास रेट आए हैं ये तो करंट ईयर के आए हैं, इसको मुझे डाउनग्रेड करना पड़ेगा, पिछले ईयर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा आपने दोनों की रिकंसिलिएशन भी दे देनी है। अब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, वही बात है कि मैं कोशिश की है कि एक सफ़े पे सारा कुछ सजा लिया जाए और इधर वाले बंदों को जो प्रॉब्लम आए वो बस थोड़ा सा ही आए। इधर लेफ्ट पे नीचे सिर्फ एक ओवरहेड फिक्स का जो ऐड हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर हम देखें, ये भाई साहब को अगर ऊपर करने का मैंने कह दिया तो ये माइंड कर जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट में मार्जिनल का फॉर्मेट है, राइट पे एब्जॉर्प्शन का। ये मैंने एक सफ़े पे कोशिश की है कि सारी वर्किंग आपको नज़र आ जाए, एक तरफ मार्जिनल का फॉर्मेट नज़र आ जाए, एक तरफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट नज़र आए, और जो ज़रूरी एक वर्किंग अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की होती है वो भी नज़र आ जाए, और एक जो रिकन्सिलिएशन होती है वो भी नज़र आए। प्लस इसमें वो तरतीब रखी है जिसमें आपके लिए रट्टा लगाने का कॉन्सेप्ट भी हो, कि समझ तो आ गया लेकिन हर दफ़ा नहीं सोचना कि ओपनिंग की क्या लेवल होता है, क्लोजिंग क्या होता है, मार्जिनल में हो तो क्या होता है, फलाना। एक फॉर्मेट मिल जाएगा, इस फॉर्मेट को जब फॉलो करेंगे तो सोचने वाले काम पेपर में नहीं करने पड़ेंगे, ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आपको सही वाला सजेस्ट कर देगा। पहले तो सेल्स 1600 यूनिट ने मल्टीप्लाई होना है सेल्स की यूनिट से। डाटा ने हमें सेल्स की यूनिट नहीं दिए थे लेकिन ओपनिंग प्रोडक्शन क्लोजिंग दिया था जिसको हम वर्कआउट करके सेल्स की यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं। तो हमने ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमने ये करके हमें पता लग गया कि हमारा सेल्स कितना होगा। हमने सेल्स को 1600 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। मैं रुपीज़ इन ट्रिपल जीरो में चल रहा हूँ, मैं ऊपर वाली चीज़ छुपी हुई नज़र आ रही है जिसमें इस तरह से है। अरे वाह, भाई साहब ने मेरा ख्याल कर लिया, ऊपर चले गए। रुपीज़ इन ट्रिपल जीरो, ये एब्जॉर्प्शन है, मैं भी एब्जॉर्प्शन की तरफ नहीं आ रहा। सेल में से हमने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको, प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने उस रेट से मल्टीप्लाई करना है। ये 95 ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया 951। हमने 2013 जो करंट ईयर है उसका स्टॉक की मेजरमेंट करने के लिए हमने कहा मटेरियल इतने का, लेबर इतने का, ओवरहेड याद है उसने कहा था 60% वेरिएबल है 40% फिक्स है, मैं सिर्फ 60% ये लिया, इससे मेरे पास मार्जिनल का रेट आया। फिर मैंने क्या किया, फिक्स ओवरहेड का ऐड करके कह दिया एब्जॉर्प्शन का रेट, तो इसके नीचे मैंने 88 ऐड किया हुआ फिक्स का, और उसके बाद टोटल रेट आ जाता है। तो आइडियली पेपर में अगर आप शुरू में ही छुटते साथ ही मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों के रेट अलग से निकाल के रख लें तो फिर पूरे सवाल में परेशानी नहीं होती। फिर क्या किया, इन्होंने ओपनिंग स्टॉक में मसला किया हुआ था, पिछले साल की वैल्यूज निकाल ली। अगर 630 इस दफा है और ये 5% महंगा हुआ हुआ है, आज 630 है और ये 5% महंगा है, तो अगर मैं 2012 में खड़ा होता तो 2012 को मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करता तो मैं 2013 तक पहुंचता। तो अब 2013 को 1.05 से डिवाइड करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 1.05 से इसको डिवाइड कर दिया इन दो को, और ओवरहेड उसने कहा था 10% है उससे डिवाइड कर दिया, तो पिछले साल की कॉस्ट आ गई। तो पिछले साल की मार्जिनल 900 है, इस साल की मार्जिनल 951 है। फिक्स ओवरहेड इस साल के 88 हैं, पिछली दफ़ा के 1.1 से डिवाइड होके 80। तो एक तरफ हमारे पास रेट 980 निकला है नीचे एब्जॉर्प्शन का, और एक तरफ निकला है एब्जॉर्प्शन का 1039। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ईयर के रेट निकाल लिए। समटाइम ऐसा होगा कि आपको दो अलग अलग ईयर दिए हैं, दोनों का अलग डाटा दिया है, तो दोनों का अलग रेट निकलेगा। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, आज के ईयर के प्रोडक्शन और क्लोजिंग पे इस दफ़ा का रेट लगेगा, लेकिन ओपनिंग पे याद हम क्या करते थे, पिछली दफ़ा से ओपनिंग उठ के आ गया। तो इस सवाल में सिर्फ ओपनिंग के लिए हमें इतनी सारी खिचड़ी पकानी पड़ गई। यहाँ से रेट आ गए हमारे, अब ये रेट आपको समझ आ रहा है कि 900 ओपनिंग पे लगा हुआ है और 951 अमाउंट आ गई। फिर हमने क्या किया, अब मैं उस फॉर्मेट में चलाऊँ,
कि सेल में से सारी वेरिएबल एक दफ़ा माइनस कर दें, फिर सारी फिक्स माइनस कर दें। आइडियली ये फॉर्मेट रखें सबसे अच्छा है। मैंने इस सफ़े को इसलिए डेवलप किया है कि इस एक सफ़े पे आपका सारा आइडियल फॉर्मेट भी नज़र आएगा, आइडियल वर्किंग्स भी नज़र आएंगी, और इससे आपको मतलब वन पेजर तैयारी करते हुए हमेशा इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दिस शुड बी द बेस्ट वे जिससे सवाल को प्रेजेंट किया जाए। वेरिएबल एडमिन सेलिंग हमने माइनस कर दिए, कंट्रीब्यूशन आ गई। कंट्रीब्यूशन में से फिर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स सेलिंग, तो ये दोनों एक्चुअल माइनस कर दिए, हम पहुंच गए इस प्रॉफिट पे। इधर वाले भाई को देखते हैं, सेल उतनी ही आनी थी, ओपनिंग प्रोडक्शन क्लोजिंग यूनिट उतनी ही है, सिर्फ रेट का फर्क है। यहाँ रेट कौन से लगेंगे? एब्जॉर्प्शन वाले। एब्जॉर्प्शन वाला आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, जो सामने लोग बैठे हैं, 980 निकला है नीचे ओपनिंग में, और क्लोजिंग में निकला 1039। ये यहां से आ रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा सामने स्क्रीन कटी होने की वजह से। अच्छा जी, इसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ही दफ़ा माइनस कर लिए सारे, क्यों? ये मार्जिनल नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग लेके नहीं चल रहे, आपने इकट्ठे माइनस कर लिए, जिंदगी आसान हो गई। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर अंडर। अब आपने पता क्या करना है, यहाँ आगे लिख देना है ओवर स्लैश अंडर एब्जॉर्ब्ड और जगह खाली छोड़ देनी है, और ये हमेशा वर्किंग से निकालना है। अच्छा, ओवर ऊपर है अंडर नीचे है, तो जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव करते हैं, और जो बेचारा गरीब पहले ही दबा हुआ है उसको। अब अगर रट्टा लगाना है, अगर फॉर्मेट का रट्टा लगाना है, तो आप हमेशा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्ब लिखें यहां, और नीचे लिख दें ओवर स्लैश अंडर एब्जॉर्ब, और अंडर नीचे है तो उसको ब्रैकेट में डाल दें। एग्जामिनर समझ जाएगा कि माइनस का मतलब होगा अंडर और खाली का मतलब होगा ओवर, याद रहेगा। इसके कुछ टोटके हैं, वही बात है कि अंडर क्यों माइनस है, क्योंकि बेचारा नीचे है, तो नीचे वो माइनस में चला गया, और जो ऊपर है। तो ये वर्किंग कहाँ से आएगी, यहाँ से ओवर अंडर एब्जॉर्ब। अब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्या करते हैं एक्चुअल ओवरहेड पकड़ते हैं, एब्जॉर्ब पकड़ते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा वो ज़्यादा है वो ज़्यादा है, अच्छा इसमें से वो क्या उसमें से क्या, फिर जवाब निकाल के फिर उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा होता ये अंडर है या ओवर है। अच्छा अंडर ओवर समझ आ जाता है, फिर ये नहीं पता लगता कि प्लस लिखूं माइनस लिखूं, तो फिर रट्टा लगा लें अगर आप ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाना चाह रहे। फॉर्मेट को रट्टा लगा लें, एब्जॉर्ब ए बी से शुरू होता है और एक्चुअल ए सी से शुरू होता है, तो ए बी पहले आता है या ए सी पहले आता है? ए बी, तो ऊपर लिख दें एब्जॉर्ब और नीचे लिख दें एक्चुअल। जो भी एब्जॉर्ब पे आया वो यहां लिख दें, जो भी एक्चुअल है वो उसमें से माइनस कर दें, जवाब निकलेगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव पॉजिटिव, जवाब कुछ ना कुछ आपको निकाल देगा। इधर वही जुमला लिख दें ओवर स्लैश अंडर एब्जॉर्ब, और अंडर वही गरीब नीचे है, तो ब्रैकेट लगा दी, तो यहां जो अमाउंट निकली बस इस अमाउंट को एज इट इज उठा के यहां लिख दें। एग्जामिनर खुद ही सोचता रहेगा कि बच्चे ने बड़े ध्यान से लॉजिक सोची होगी, पहले एब्जॉर्ब रखा होगा, फिर एक्चुअल रखा होगा, फिर डिफरेंस निकाला होगा, फिर सोचा होगा अंडर है या ओवर है, फिर वो पीछे आया होगा और अंडर को ब्रैकेट लगाई होगी, फिर ऊपर गया होगा अंडर को ब्रैकेट लगाई होगी, वहाँ लिखा होगा, उसे बताएं ही ना कि मैंने चलाकी क्या की है, रट्टा लगा लें। बात समझ आ रही है? एब्जॉर्प्शन पे यहाँ तक पहुँच के यहाँ लोग फंस जाते हैं और खामखा फिगर ऊपर नीचे कर देते हैं। यहाँ ओवर स्लैश अंडर एब्जॉर्ब लिखा और अंडर नीचे है तो उसे ब्रैकेट कर दिया। अब आपने ध्यान ही नहीं रखना प्लस के और माइनस के है, अंडर है या ओवर है, आपने बस फॉर्मेट में डाटा डाल देना है, पहले एब्जॉर्ब और बाद में एक्चुअल कर दिया। ये फिगर वहां लिख दी बगैर सोचे कि प्लस है या माइनस है, जो भी होगी जो लिखा हुआ है उस पर पूरी उतर रही होगी। लॉजिक तो समझा दी है, लेकिन आपके चेहरों को देख के लग रहा है सर लॉजिक अपनी जगह, पेपर से पास भी करना है। अगला रटा रिकंसिलिएशन प्रॉफिट्स की। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल, एब्जॉर्प्शन ए से शुरू होता है और मार्जिनल एम से शुरू होता है, पहले कौन सा आ रहा है? तो पहले एब्जॉर्प्शन लिख लें बाद में, और बचपन से आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा से जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस, यानी कि ओपनिंग स्टॉक भी प्लस हो रहा है, प्रोडक्शन भी प्लस हो रही है, और माइनस क्या हो रहा है? तो बस आपने वही बचपन वाली चीज़ उठा के ओपनिंग को हमेशा ऐड कर देना है, क्लोजिंग को हमेशा माइनस कर देना है। यकीन माने सारा काम फॉर्मेट कर रहा होगा, आपने सिर्फ अपने वो बचपन की यादाश्त संभाल के रखनी है। तो आप हमेशा एब्जॉर्प्शन से शुरू करें, हमेशा मार्जिनल पे ख़त्म करें, तो बार बार नहीं सोचना पड़ेगा स्टॉक से फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट ऊपर होता है, उसके प्रॉफिट में वो था उसके, इतना ना सोचें। अगर आपको सोचना बुरा लग रहा है, आप ये इतना सा पोर्शन क्रैम कर लें, आपका वो जो फॉर्मेट का सबसे बड़ा मसला है ना इस सवाल में, वो सॉल्व हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन से शुरू करके मार्जिनल पे आएँ, हमेशा उस पैटर्न पे चलें जो आप हमने कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर देखे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। प्रोडक्शन यानी आता है यहाँ, या ओपनिंग होता है या क्लोजिंग,
ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स पकड़े और ओपनिंग क्लोजिंग के जो FOH का रेट है, फिक्स ओवरहेड का रेट, सारा कंप्लीट रेट नहीं, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने ये नीचे निकालने की कोशिश की है, सिर्फ उस नीचे वाले एक्स्ट्रा एलिमेंट को आप लें और उसके साथ आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है, आपकी रिकंसिलिएशन बन जाएगी। अब आपने एक दफ़ा करना है इसी फॉर्मेट को उठा के, पीछे हमने जो दो तीन सवाल किए हैं उन सब पे अप्लाई करके देखना है, आपका हाथ सेट हो जाएगा। एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ, 50 सवाल एक दफ़ा करने से बेहतर है 10 सवाल 5 दफ़ा किए जाएँ। बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, फॉर्मेट पे हाथ सेट होता है, शुरू में क्या लिखना है, एंड पे क्या लिखना है, सवाल को करने का तरीका सलीका ढंग आता है, हर सवाल एक नई वैरायटी होती है, आप हर अगले सवाल में नई वैरायटी कर रहे हैं, आपका हाथ फॉर्मेट पे नहीं सेट होता। वो कह नहीं रहे थे कि बच्चे स्ट्रेटेजाइज नहीं कर रहे अप्रोच, सवाल शुरू करते उन्हें समझ ही नहीं आ रही वो शुरू कैसे करें। तो इस तरह से ना हर टॉपिक का एक आइडियल से एक फॉर्मेट अपने पास एक सफ़े पर बना के रख लिया करें, जिस जिसका बन सकता है। अब जैसे ब्रेक इवन उस गरीब का बन ही नहीं सकता, लेकिन प्रोसेस का बन सकता है, वेरिएंस का बन सकता है, इसका फॉर्मेट बन सकता है, टारगेट कॉस्टिंग का फॉर्मेट बन सकता है। तो जिस जिस का बन सकता है कम से कम एक फॉर्मेट सा बना के और उस फॉर्मेट की इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करें कि पेपर में आपका हाथ ऑटोमेटिकली वैसे ही चल रहा हो। डन हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हम लोग ने मानी लब के साथ ब्रेक इवन सोचा हुआ था, लेकिन हम इस टॉपिक की गहराई में उतरे, थोड़े बहुत टेक्निकल मसले हमारे चल रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। पास पेपर में गिनती के सवाल हैं, एक सवाल इसका ऐसा है जो वेरियंस के प्रोसेस के साथ मिक्स होकर आता है, अगर ऐसा कोई अजीब सा सवाल नजर आए आपने उसे छोड़ देना है, अभी वो बाद में आप कर सकेंगे। उसके अलावा भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर एक आध ऐसा सवाल है जो कम डिस्कस हुआ, तेज़ी से डिस्कस हुआ, उसकी वीडियो अलग से भी अवेलेबल हो जाए। तो ये है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद ब्रेक इवन, जो कि प्रिज्यूम टू बी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों है, जिनको ये समझ आ जाती है कि कॉस्ट में मैथ है उनको ये कभी भी नहीं समझ आना चाहिए कि ब्रेक इवन अजीब सा टॉपिक है। हाँ, जो फॉर्मेट को रट्टे मारने वाले लोग हैं उनको ज़ाहिर है ब्रेक इवन का हर सवाल तकलीफ देगा, चूँकि उसमें एक अलग लॉजिक होगी। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, 3:30, ज़्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा, 3:30 पे इकट्ठे होते हैं। सुना ये है कि आप बच्चों के लिए चाय की ब्रेक इसी वक्त है, सुना है, पता नहीं, मतलब बाद में पता लगे मुझे आप कहें, ठीक है। तो आप भी चाय ब्रेक पे जाएं, मैं जाके जो है वो बस मैनेजमेंट के रूम में होके और फिर दोबारा से वापस आता हूँ और फिर ब्रेक इवन स्टार्ट करते हैं। और ब्रेक इवन का सेशन हमारा अगर लंबा चलता भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रेक इवन इज़ द की एरिया, आई कैप को बड़ा पसंद भी है और लोगों को डिफ़िकल्ट भी लगता है, हालांकि हम उसकी कोर सेंस समझेंगे और देखेंगे कौन सी 3-4 चीज़ों पर हमारी ग्रिप हो तो हर सवाल को हम हमेशा पकड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, इसके ऊपर 3:30 पे दोबारा मिलते हैं।